2021 का आगाज हो गया है, नए साल में हम सब प्रवेश कर गए हैं। इस बीच नए वर्ष को सुखमय बनाने के लिए लोग मंदिर जा रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज पहला दिन है, यानी आज 1 जनवरी है। इस मौके पर कोल्हान के प्रसिद्ध जादूगोरा माँ रंकिनी मंदिर में भी लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे, यानी श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा मंदिर में। नए साल के पहले दिन काफी संख्या में लोग जादूगोरा के प्रसिद्ध माँ रंकिनी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना किए और सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना किया। वहीं काफी संख्या में लोगों का जनसैलाब मंदिर में देखने को मिला। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा के लिए मंदिर के बाहर और भीतर भी पुलिस बल की तैनाती की गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते खासकर वहां पर नहीं देखे गए। आपको बता दें कि रंकिनी कॉपर घाट विकास समिति के अध्यक्ष दिनेश सरदार ने कहा कि आज साल का पहला दिन है, जादूगोरा के प्रसिद्ध मां रंकिनी मंदिर में पूजा करने के लिए काफी संख्या में लोग आए हैं। हम लोग अपने स्तर से काफी सुरक्षा श्रद्धालुओं को प्रदान कर रहे हैं, वहीं प्रशासन और पुलिस जवान भी मुस्तैद हैं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। मंदिर परिसर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। जमशेदपुर से कृष्णा की रिपोर्ट। व्यवस्था है आप लोग क्या इस बार? देखिए COVID-19 के बाद पहली बार मंदिर खुल रहा है इस साल 9 वर्ष में जो है, और इस 9 वर्ष में हम लोग बहुत सारे भीड़ को देखते हुए यहाँ पर उसके लिए हम लोग प्रशासन से भी मदद मांगे हैं और बड़ी लंबी क्यू है, और जो दर्शन के लिए भी लोग आ रहे हैं उनकी हम लोग व्यवस्था किए हैं, सुरक्षा का जो उचित हम लोग प्रबंध कराए हैं। और रही बात क्योंकि COVID-19 के चलते बहुत सारा सरकारी योजना कार्य नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम लोग 70 लाख सेंशन करवाए, जिसमें सीढ़ी जो है मंदिर के नीचे जाने के लिए कपड़गाटी घाट में उसको सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, और मुख्य मंदिर का रंगरोगन और छज्जा का निर्माण होगा, और गार्डवाल बन रही है। आने वाला समय में कोयला पहाड़ जाने के लिए हम लोग सीढ़ी का निर्माण कराएंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का लोग उल्लंघन काफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये तो सबको अपने समझना पड़ेगा, क्योंकि COVID-19 को लोग हल्के में ले रहे हैं, और इसको क्योंकि अपना बचाव करना है तो मास्क हम लोग को लगाए कि नो मास्क, ये जिसका दर्शन के लिए हम लोग 6 फीट की दूरी जो है ये हम लोग हमेशा हर जगह मेक कर रहे हैं, लॉन्च भी करवा रहे हैं। तो अब क्योंकि ये लोगों का समझना पड़ेगा कि इस बीमारी अभी गया नहीं है, तब तक टीका नहीं हमको लगता तब तक तो ये बीमारी से हमको बचाव करना हमारी जिम्मेदारी है। सुरक्षा को लेकर बात करें तो किस तरह का सुरक्षा का भी किए हैं आप लोग? सुरक्षा हमारे दोनों थाना से उनको यहाँ सुरक्षा मिली हुई है, जादूगोड़ा थाना प्रभारी 2 बार यहाँ पर आके विजिट कर चुके हैं, अभी भी आगे चले गए, और कुटका सर से भी फोर्स दिया है, और हम लोग प्रशासन जिला प्रशासन से भी फोर्स मांगे तो वहाँ 8 फोर्स पहले से हम लोग को दी हुई है। इस तरह से प्रशासन को पूरी व्यवस्था है, हमारे वो भी सुरक्षा के दृष्टि से जो है हम लोग कैमरा लगाए हुए हैं जो सबके निगाह में, कोई भी अगर इस तरह का उद्दंड करता है तो वो हमारे कैमरा में क्लियर हो जाएगी, और उसमें जो भी प्रशासनिक संबंधी या जो भी अगर उस पर कार्रवाई करना हो हम लोग कार्रवाई। कितने बजे से भीड़ था मंदिर पर? ये मंदिर हमारे जो है 6:30 बजे से पूजा आरम्भ हो गई थी। बहुत सारे भक्त ऐसे भी है जो कि 12 बजे के बाद भी आकर दर्शन किए, ऐसा भी हुआ है।